नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम विजयन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनके द्वारा भेजे गए गुंडे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस भी उनका साथ दे रही है। जेएनयू के नए नियमों के अनुसार किसी भी एजुकेशनल बिल्डिंग के सामने विरोध प्रदर्शन से निष्कासन, छात्रवास से निष्कासन और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। कांगो के बुकावू शहर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। बारिश के चलते आए भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई। प्रियंका चोपड़ा ने अपने घर पर क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी है। ग्लोबल आइकन ने क्रिसमस को लेकर अपने घर पर की जा रही डेकोरेशन की एक झलक फैंस के साथ शेयर की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। वहीं IPL 2024 ओकेजन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ये थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज 15।